इतिहास और संस्कृति की एक और मनोरम यात्रा में आपका स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम भारत के कालातीत टेपेस्ट्री के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। भारत की विरासत जो 5000 वर्षों से भी पुरानी है। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं की तरफ भारत की सभ्यता उसके ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। अपने भाग्य को आकार देने वाले साम्राज्यों की भव्यता हमारे साथ जुड़ती है क्योंकि हम भारत के अतीत की लुभावनी गाथा को उजागर करते हैं। एक ऐसी भूमि पर आपका स्वागत है जहां प्राचीन कथाएं आधुनिक आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। एक ऐसा देश जहां विविधता मनाई जाती है और हर कोने में इतिहास गूंजता है। इस वीडियो में हम भारत के बारे में शीर्ष ऐतिहासिक तथ्यों पर एक नजर डालेंगे, तो आराम से बैठे और इस अद्भुत देश के बारे में कुछ नया सीखे। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही रोमांचक कंटेंट तथा हमारे एप्स के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट factover.com को विजिट करें। हम ऐसे ही अलग अलग विषयों पर डॉक्यूमेंट्रीज प्रदर्शित करते हैं। हमारे आगे आने वाले सभी एपिसोड्स को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें 5000 वर्षों से अधिक समय का इतिहास है। भारत प्राचीन इतिहास और संस्कृति की भूमि है। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें 5000 वर्षों से अधिक समय का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता जो 3300 से 1900 ईसा पूर्व तक पनपती थी दुनिया की सबसे शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक है। भारत विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों भाषाओं और धर्मों का घर है। यह महान सौंदर्य और विविधता का देश है। सिंधु घाटी सभ्यता जो 3300 से 1900 ईसा पूर्व तक पनपती थी दुनिया की सबसे शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसमें सिंचाई की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली, एक जटिल शहरी नियोजन और एक परिष्कृत लेखन प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित थी। यह व्यापार और वाणिज्य का एक संपन्न केंद्र था। 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में गिरावट आई, लेकिन इसकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित करती है। मौर्य साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। ये हिमालय से अरब सागर तक और हिंदू कुश से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द ग्रेट के तहत अपने चरम पर पहुंचा था। अशोक द ग्रेट एक महान विजेता के साथ साथ एक महान शासक भी थे। उन्होंने शांति और अहिंसा को बढ़ावा दिया और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। मौर्य साम्राज्य में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में गिरावट आई, लेकिन इसकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित करती है। गुप्ता साम्राज्य जिसने 320 से 550 ईसा तक शासन किया भारतीय संस्कृति और विज्ञान का एक स्वर्ण युग था। गुप्ता साम्राज्य भारतीय संस्कृति और विज्ञान का एक स्वर्ण युग था। ये गणित खगोल विज्ञान चिकित्सा और कला में महान प्रगति का समय था। गुप्ता साम्राज्य भी धार्मिक सहिष्णुता और शांति का समय था। 6वीं शताब्दी के बाद में गुप्ता साम्राज्य में गिरावट आई, लेकिन इसकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित करती है। मुगल साम्राज्य जिसने 1526 से 1857 तक शासन किया भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। मुगल साम्राज्य भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना 1526 में बाबर द्वारा की गई थी और 16वीं शताब्दी में अकबर द ग्रेट के तहत अपने चरम पर पहुंच गई थी। मुगल साम्राज्य महान सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प उपलब्धि का समय था।
18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में गिरावट आई, लेकिन इसकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित करती है। भारत ने 1947 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की। ये भारतीय लोगों के लिए बहुत खुशी और उत्सव का समय था। हालांकि स्वतंत्रता भी कई चुनौतियों के साथ लाई गई, जैसे कि भारत का विभाजन और बात की हिंसा। भारत अब बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ एक संपन्न लोकतंत्र है। यह विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी है और शांति और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। भारत 1.3 बिलियन से अधिक लोगों की आबादी वाला एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। ये दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत एक समृद्ध संस्कृति और इतिहास वाला एक विविध देश है। भारत संयुक्त राष्ट्र, द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और G20 का सदस्य है। यह विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी है और शांति और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। भारत विरोधाभासों की भूमि है। ये प्राचीन इतिहास और आधुनिक तकनीक का देश है। ये गरीबी और धन का देश है। ये शांति और संघर्ष का देश है। लेकिन ये सब के माध्यम से भारत आशा और वादे का देश है। जैसा कि हम भारत की उल्लेखनीय यात्रा में इस झलक को समाप्त करते हैं, हम आपको इसके समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति में गहराई से जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो ऐसे ही मजेदार और रोमांचित कर देने वाले तथ्यों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और अधिक इमर्सिव अनुभव के लिए हमारी वेबसाइट factover.com पर जाएं, जहां हिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी कई इंटरेस्टिंग चीजों के संदर्भ में आकर्षक कंटेंट मौजूद है। भारत की विरासत का जश्न मनाने में हमसे जुड़ने के लिए आभार।